आज हमने 3:30 बजे के करीब ये स्नेक पकड़ा था अमरेड़ी गांव से। अमरेड़ी गांव में एक मेरा दोस्त है नसीब, तो उनके घर में ये स्नेक बैठा हुआ था। ये रेड स्नेक है दोस्तों, यानी कि इसका घोड़ा पछाड़ भी इसका नाम है और इसको दामन भी बोलते हैं। नॉन पॉइजन है दोस्तों, बगैर जहर का। तो अभी शाम का टाइम है, 6 बजे बज चुके हैं दोस्तों, और मैं इसको यहाँ रिलीज करने के लिए आया हूँ। तो दोस्तों कोई भी भाई सांपों को ना मारे, ये हमारे पर्यावरण का हिस्सा है। मैं हर वीडियो में बता चुका हूँ इसके बारे में जानकारी भी, और इसकी विशेष पहचान भी बता चुका हूँ। ये इसकी जो पूंछ होती है ना, ये जालरदार होती है दोस्तों। ये देखिए, जालरदार इसकी पूंछ होती है, ये इसकी पहचान होती है। और जो इसका मुंह होता है ना, वो पूरे शरीर से पतला होता है। इसका मुंह जो होता है बारीक होता है पूरे शरीर से, ये भी इसकी पहचान होती है। और जैसे ही ये पूंछ है, ये जालरदार होती है, ऐसे ही आगे इस पर निशान बने होते हैं मुँह के पास। ये देखिए सफ़ेद सफ़ेद निशान बने होते हैं, ये भी इसकी पहचान होती है दोस्तों। तो दोस्तों मैं इसको अभी यहाँ रिलीज करने वाला हूँ। तो दोस्तों आज मेरे साथ मेरा दोस्त हेमंत आया है, तो इसकी भी इच्छा है दोस्तों कि मैं भी स्नेक पकड़ूँ। मेरी भी इच्छा है कि स्नेक पकड़वाए इसको, इसका भी दिल खुले। और ये भी कभी ना कभी सांपों का दोस्तों ये अच्छा फैन है, तो इसकी इच्छा थी बहुत दिन से कि मैं भी कभी सांप को हाथ में ले कर देखूँ। तो मैं भी दिखा दूँगा हेमंत भाई को, तो और ये भी इनको स्नेक को पकड़ेंगे। दिखाइए, हेमंत भाई है, इसने इस स्नेक को पकड़ा है। ये भी दोस्तों एक अच्छा कैचर बन सकता है। ये चाहता था कि मैं भी कभी ना कभी स्नेक को पकड़ूं। बीच से पकड़ो, डरने वाली बात को नहीं, आराम से पकड़ो, बिल्कुल नॉर्मल, ना ना कट्टा को नहीं। तो दोस्तों ये हेमंत भाई है, इसने भी आज इसकी मन की इच्छा भी पूरी हो चुकी है, इसने भी इस स्नेक को पकड़ लिया है। और दोस्तों मैं चाहता हूँ कि हेमंत भाई से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस सांप को यहाँ आज़ादी दे, प्रकृति प्रवेश में यहाँ छोड़ दीजिए, इस स्नेक को यहाँ छोड़ दीजिए, छोड़ दो। तो दोस्तों ये स्नेक अभी यहाँ जा रहा है पानी के एरिए में, और दोस्तों अब ये वहाँ चढ़ जाएगा। तो देखिए दोस्त, देखिए सांप रजबाया से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। सतह चिकनी होने की वजह से थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है इसको निकलने में, फिर भी ये ट्राय में लगा हुआ है। ये देखिए दोस्तों ये कैसे अब चढ़ रहा है। ये सतह रजबाई की सतह चिकनी है, इसी वजह से इसको थोड़ा मुश्किल आ रही है। अब ये चढ़ जाएगा दोस्तों। एक इधर जा चुका है, हमने इसे प्रकृति प्रवेश में रिलीज कर दिया है। ये यहाँ अपना गुजारा दोस्तों आराम से करेगा, अच्छी जगह है, खाने पीने की अच्छी सुविधा यहाँ पे इसके लिए। तो दोस्तों इन्हीं साफ शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, और गर्व से कहो वंदे मातरम।